अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में तीन फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। जस्ट गेट मी दैट पिक्चर ऑफ शिवा इनसाइड बिकॉज ऑफ इट। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अभय मुद्रा जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय।